दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। जन्माष्टमी जी वेरी हिंदू फेमस फेस्टिवल। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के सभी मंदिरों को फूलों से और लाइटों से सजाया जाता है। श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था। उनकी मैया माखन को मटकी में रखती थी। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें हम मटकी बनाएंगे और उसको हम डेकोरेट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे मटकी बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए सीट। हम A4 साइज सीट भी यूज कर सकते हैं और कलरफुल सीट भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल सीट है तो आप वो यूज करिए, अगर आपके पास A4 साइज सीट ही है तो आप वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए मटकी। हम एक मटकी ड्रॉ करेंगे इस पे। ऐसे देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट एक मटकी ड्रॉ करेंगे। आप मम्मा की हेल्प ले सकते हैं, आपसे मटकी ड्रॉ नहीं होगी तो आप मम्मा की हेल्प ले लीजिए। तो दिख रहा है पेंसिल, पेंसिल आ रही है, साफ ना आ रही है, पेंसिल दिख नहीं रही। नाउ आई एम मेकिंग मटकी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए सीट। हम A4 साइज सीट ले सकते हैं। अगर हमारे पास व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर ले सकते हैं, कलरफुल है तो कलरफुल ले सकते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ। पहले मैं ड्रॉ करूंगी यहाँ पे पेंसिल की सहायता से। देखिए, हम एक मटकी ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। आपसे ड्रॉ नहीं होगी, आप मम्मा की हेल्प ले सकते हैं, मम्मा की हेल्प से करेंगे। ओके, देन हम इसको कट करेंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे। कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था। उनकी मैया मटकी में ही रखती थी माखन। अब हम इसकी कटिंग अच्छे से करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कट कर दिया। अब हम एक दूसरी कलरफुल शीट पे इसको पेस्ट कर देंगे ताकि इजीली हमें दिखाई दे जाए ये चीजें। अब हम यहाँ पे फेविकोल की सहायता से इसको इस पे पेस्ट करेंगे। ऐसे करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट के लिए हम, अगर हमारे पास स्टोन्स वगैरह है, ये देखिए स्टोन्स है, तो हम ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे साइड इसके कॉर्नर पे। और अगर नहीं है तो हम कलर से, वॉटर कलर से, फिंगरप्रिंट से, फिंगरप्रिंट भी पेस्ट कर सकते हैं, थंबप्रिंट ऐसे कर सकते हैं, और अगर नहीं है मिटन्स की सहायता से भी ऐसे हम कर सकते हैं। ये देखिए, हम मिटन्स ऐसे इस पे डॉट लगाएंगे। अच्छे से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे मटकी के। देखिए, हमारी डॉट कंप्लीट हो चुकी है। जो थोड़ी लाइट है उसको अच्छे से डार्क कर देंगे।
अब इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे हम, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब अगर हमारे पास स्टोन है हम वो भी पेस्ट कर सकते थे यहाँ पे, और अगर नहीं है तो कलर से भी कर सकते थे। अब मैं यहाँ पे एक लेस लगाऊंगी इसके मिड में। अगर आपके पास लेस नहीं है आप स्केच कलर की सहायता से इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कलरिंग कर सकते हैं। स्टोन भी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास लेस है इसलिए मैं लेस लगा देती हूँ उस पे। ये देखिए मैंने इस पे लेस लगा दी है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी यहां से। आपके पास स्पार्कल सीट होगी, अगर आपके पास लेस नहीं है स्पार्कल सीट है तो आप स्पार्कल सीट से डॉट्स कट कर सकते हैं, स्टार कट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन कट कर सकते हैं इससे, और इस पे मटकी पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारी मटकी सुंदर लगे। अब मैं देखो इससे डॉट कट कर रही हूँ इसमें स्मॉल साइज में। ऐसे हम डॉट कटिंग करेंगे। यस हमारी डॉट, हम ऐसे डॉट कट करेंगे, फिर फेविकोल के फेविकोल से इसको क्या कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। ये देखिए ऐसे इनको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये पेस्ट हो गया है। इसके बाद हम ऐसे लीव्स टाइप में कट करेंगे, लीव्स टाइप में ऐसे कट करेंगे। ये मैंने उसके कट किए हैं स्पार्कल सीट का, और ऐसे कट करके इसको हम यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इनको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे अच्छे से। ये देखिए अब ये पेस्ट हो चुका है अच्छे से। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टोन, मेरे पास स्टोन है तो ये पेस्ट कर देती हूँ मैं यहाँ पे स्टोन भी, ताकि हमारी मटकी सुंदर लगे। पहले फेविकोल लगाएंगे फिर स्टोन पेस्ट कर देंगे। ऐसे फेविकोल लगा के इसको इस पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए स्टोन भी कंप्लीट हो गए, हमारे पेस्ट हो गए सारे। ये देखिए ये हमारे पेस्ट हो गए हैं। अभी मैं एक लेस और लगाऊंगी इसके नीचे। फेविकोल, पहले फेविकोल लगाएंगे हम, उसके ऊपर फेस लगा देंगे। ये देखिए
इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। आप कैसी भी लेस ले सकते हो बारीक, जो मम्मा के पास आपके पास मम्मा के पास एक्स्ट्रा होंगी वो आप बारीक लेस ले सकते हैं और इस पे पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी लेस पेस्ट हो चुकी है। अब हम माखन के लिए यूज करेंगे कॉटन, क्योंकि माखन व्हाइट कलर का होता है ना, तो इसलिए हम कॉटन यूज करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, बहुत टेस्टी लगता था उनको माखन, इसके लिए हम पेस्ट करेंगे अब कॉटन यहाँ पे। ये देखिए छोटी छोटी गोलियां बनाइए ऐसे राउंड राउंड से। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा माखन लग गया है। इसको हम अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि ये निकले ना। ये देखिए ये हमारी मटकी ऑलमोस्ट रेडी है। हैप्पी हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण जिनका नाम गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सबका प्रणाम। हैप्पी जन्माष्टमी।